नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी अप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने बात करेंगे तीन नई भर्तियों के बारे में, बात करेंगे उनकी फुल डिटेल के बारे में। अगर आप इच्छुक हैं उन भर्तियों के बारे में, अगर आप क्वालिफाइड हैं उन भर्तियों के बारे में, तो आप मेरी वीडियो से जुड़े रहेंगे। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो है सिविल लाइन, सिविल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट भर्तियाँ जो 2024 में आई हुई है या आने वाली है, उन भर्तियों के बारे में, उनकी फुल डिटेल भर्तियों के बारे में बात करूंगा। इसमें ना तो दौड़ है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई फिजिकल और मेडिकल नहीं है, तो उसके बारे में अपनी बात करेंगे। सबसे अगर मैं पहले बात करूं तो विभाग की अगर बात करूं तो सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक में जो भर्ती आई हुई है वो है सफाई कर्मचारी की। जो भर्ती आई हुई है वो है सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी की जो भर्ती आई हुई है सेंट्रल बैंक में सफाई कर्मचारी की भर्ती आई हुई है। कुछ स्टूडेंट क्या इसको ले चलते हैं कि पियोन की भर्ती है, इसको क्या करें, तो देखिए इसमें वर्क कम होता है, वर्कलोड है जो वो बहुत कम होता है और सैलरी अच्छी मिल जाती है इसमें। अगर इसमें मैं बात करूं पोस्टों की तो ये 484 पोस्ट पर जो भर्ती आई हुई है। फिर अगर बात करें हमें किस तरह ये तो सफाई कर्मचारी, आपको बता ही दिया सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है किसमें है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। और अपने सिविल डिपार्टमेंट की जो भर्ती उनके बारे में बात कर रहे हैं, पहली भर्ती है जो सफाई कर्मचारी की है केंद्रीय बैंक में। एज से अगर इसमें बात करें तो एज का जो क्राइटेरिया तो सेम ही रहता है, देखिए 18 से 26 वर्ष का जो क्राइटेरिया वो सेम रहता है, लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस हर भर्ती में होता है वो होता है कि ओबीसी को प्लस 3 वर्ष की अन्य छूट दी जाती है, और उसके अगर बात करें तो SC ST में जो भर्ती है उसमें जो छूट दी जाती है वो प्लस 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी 26 साल में आप 3 ऐड कर दीजिए तो ओबीसी की, और उसमें 5 साल ऐड कर दीजिए तो SC ST को जो है छूट दी जाती है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं फीस की अगर बात करूं तो थोड़ी सी इसमें क्या है, प्योर की भर्ती है दोस्तों, लेकिन फीस उस हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा रखी हुई है, लेकिन ये भर्ती चल रही है तो जाना जाना फॉर्म भरे। इसकी जो फीस है 875 यानी 875 रुपए इसकी फीस है, किसकी, ओबीसी और जनरल की। ओबीसी और जनरल वाले हैं उनकी जो फीस है वो ये है, लेकिन SC ST की बात करूं, SC ST की बात करूं तो 175 रुपए जो फीस है इसकी मात्र रखी गई है दोस्तों। फिर अगर अपने बात करें अप्लाई डेट की कि ये अप्लाई कब से हो रहे हैं, अप्लाई के बारे में अगर बात करें तो कब से हो रहे हैं और कब तक इसके अप्लाई होंगे फॉर्म, तो इसकी जो डेट है वो चल रही है 21 जून से और 27 जून तक ये फॉर्म अप्लाई होंगे। 21 जून से लेकर 27 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। फिर अगर एक थोड़ी सी मोटी मोटी अपनी बात करें तो इस विभाग की जो भर्ती है पहले आई हुई थी, अब तक ये जो अपने भर्ती की बात करें ये फॉर्म रीओपन हुए हैं। ये फॉर्म रीओपन हुए हैं कब से लेकर, 21 जून से लेकर 27 जून तक ये फॉर्म ओपन हुए हैं। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो ये भर्ती है 10th पास पर ये भर्ती है। वेतन की अगर अपने बात करें तो वेतन इसमें लगभग 25,000 के लगभग रहता है, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर भी हो सकता है इसे, और धीरे धीरे जो वेतन है बढ़ता रहता है, वर्कलोड बहुत कम होता है। प्योर इस पे ना जाए कि सफाई कर्मचारी के प्योर की भर्ती है, नहीं, क्वालिफिकेशन भी कम है और इसमें जो भीड़ है वो भी आपको कम मिलेगी, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर दूसरी अगर भर्ती की मैं बात करूं तो वो है दोस्तों, दूसरी भर्ती की जो अपनी चर्चा करें हैं वो है SSC CGL की। दोस्तों SSC CGL की जो भर्ती है उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। एज की अगर अपने बात करूं, इससे पहले अपनी बात करेंगे एज की बात होती है तो कम से कम अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो 18 साल आपकी आयु निर्धारित रखी गई है, 18 साल आपकी आयु होनी चाहिए। उसके अगर मैं बात करूं तो ये भर्ती 35 वर्ष तक जो व्यक्ति है वह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC ST का जो कोटा है वो अलग से आपको दिया जाएगा, ओबीसी और SC ST को जो छूट दी जाती है वो अलग से आपको दी जाएगी, यानी 18 से 35 वर्ष इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, उसमें आप भर सकते हैं। जैसे 12th की अलग है और ग्रेजुएट लेवल पर अलग जो भर्ती है वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर अपने बात करें इसकी तो फीस की अगर अपने बात करूं तो जो ओबीसी और जनरल की जो स्टूडेंट है उनको होती है, लेकिन SC और ST के लिए कोई फीस नहीं रहती, निल है फीस, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ले जाती। फिर मैं बात करूं कि इसके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं तो 24 जून से लेकर 23 जुलाई तक
24 जून से 23 जुलाई तक इसके जो फॉर्म है अप्लाई होने जा रहे हैं। फिर अगर हम बात करें योग्यता की, तो ये ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती होती है, ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती होती है। वेतन की अगर मैं बात करूं तो 55 के यानी 55,000 के लगभग अप्रोक्सीमेट इसकी जो सैलरी आपको मिलेगी, वेतन आपको मिलेगा। वेतन विभाग आपको बताई दिया कि SSC CGL की जो ये भर्ती है। पोस्ट है दोस्तों, पोस्ट है, आपको आगे सूचना में पूरी भर्ती के बारे में डिटेल आपको दे दी जाएगी। फिर अगर मैं बात करूं तीसरी भर्ती की दोस्तों, तो वो है विभाग की, अगर मैं बात करूं तो RRBNTPC 2024 की जो भर्ती है, रेलवे की, भारतीय रेलवे की जो भर्ती है NTPC की, वो जल्द आ रही है। पोस्टों की अगर अपने बाद में डिटेल में से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। एज की अगर बात करूं तो मिनिमम इसकी जो एज होती है वो 18 वर्ष होती है, लेकिन मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो 33 वर्ष तक आप, 33 एज तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर फिर बात करते हैं कि अप्लाई कब से अप्लाई होंगे जी, तो जुलाई के नेक्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के फर्स्ट वीक में इसके क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, रेलवे RRB रेलवे NTPC की भरपूर भर्ती आने वाली है, तो उसके बारे में अपने शॉर्ट वीडियो भी आपको शॉर्ट वीडियो बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर अगर अपन बात करें इसकी फीस की, तो फीस जो रहती है दोस्तों वो थोड़ी ज्यादा रहती है, 500 रुपये, और जो रहती है SC ST की जो फीस रहती है वो मात्र रहती है 250 रुपये इसकी फीस रहती है। इसमें क्या है, कैशबैक मिल जाता है आपको, CV मिल जाता है, कितना इसका, तो 100 रुपये कटेगा इसका, 100 इसका कट के आपको जो भी आपका फीस होगी वो आपको बकाया वापिस करती जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर अगर अपने वेतन की बात करें, इसके वेतन की बात करें, योग्यता तो आपको पता है दोस्तों, प्लस टू प्लस, ठीक है, ग्रेजुएट प्लस प्लस पर भी भर्तियां आती हैं। वेतन की अगर बात करूं तो 33,000 से लेकर ये 70,000 तक इसकी सैलरी होती है, 33,000 से लेकर 50-60-70,000 तक इसकी जो सैलरी आपको दी जाती है। तो ये थी आज की तीन भर्तियों के बारे में, जिसमें ना किसी प्रकार का कोई फिजिकल है दोस्तों, ना दौड़ है, ना किसी प्रकार का और कोई आपको फिजिकल लिया जाएगा, सीधा आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के स्तर पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल नेहरा स्टडी आपको ज्वाइन कर लीजिए, और जो जो मेरे दोस्त मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।